तो वेलकम बैक गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 25 के साथ आसानी से कैसे किया जा सकता है ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम लेते हैं 32 को हमें मल्टीप्लाई करने का है 25 के साथ। तो इसमें सबसे पहले हमें 25 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो इसमें हमें दूसरे नंबर को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हमें इसको 4 से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 फोर जा 32 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 लग जाएगा। तो ये 32 का मल्टीप्लाई 25 के साथ हो जाएगा आसानी से। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 15 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करना है। तो इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले डायरेक्ट। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, उसके बाद 3 बचेगा तो 7 4 28, और उसके बाद 2 बचेगा तो 5 20, और पॉइंट यहाँ पे रहेगा आ जाएगा। इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 15 का मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हम 42 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करते हैं। तो आपको डायरेक्ट 4 से इसको डिवाइड करना है, जिसमें 4 1 4, उसके बाद 0.45 20। तो ये आ गया। इसके बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट हट जाएगा और एक एक्स्ट्रा 0 आ जाएगा। तो कुल ये आपका आ जाएगा 42 का मल्टीप्लाई 25 के साथ आंसर। तो इसी तरह से 25 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करना है तो आप उसे पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।